बच्चे आँखों का नूर और दिलों का सुरूर होते हैं। भागते दौड़ते, शोर मचाते और शोखियाँ दिखाते बच्चे जिंदगी की खुशियाँ इन्हीं के दम कदम से हैं। इन महकते फूलों में से कोई फूल अगर कुमलाने लगे तो घर की रौनकें मान पड़ जाती हैं। मेरा नाम डॉक्टर महविश है। मैं चिल्ड्रन अस्पताल के कैंसर और खून वाले के वार्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। और आजकल बच्चों में खून की कमी एक बहुत बड़ा मसला है,
खून की कमी जिसे हम अनीमिया कहते हैं, दरअसल खून में सुर्ख ज़रात की कमी को कहते हैं। और हमारे बच्चों में इसकी सबसे बड़ी वजह जिसम में फोलाद की कमी है। या तो फोलाद उनकी खुराक में मुतवाजन मकदार में नहीं होता, या बाज़ औक़ात खुराक में तो इसकी मकदार नॉर्मल होती है लेकिन जिसम किसी वजह से इसको जज्ब नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी जो वजूहत हो सकती हैं वो बच्चों में पेट के कीड़े या कोई भी बीमारी अगर वो लंबे अरसे तक चले तो फोलाद की कमी का बायस और खून की कमी या अनीमिया का बायस बन सकती है। और इसकी जो बड़ी अलामत होती हैं वो हैं बच्चे की रंगत का पीला होना, उसका सांस चढ़ना, सुस्ती या काहली का छा जाना, या बच्चे को भूख कम लगना, और बाज़ औक़ात बच्चों का मट्टी खाना भी इसकी अलामत हो सकती है। और बाज़ दफ़ा बच्चे खेलने के बाद बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस तेज़ तेज़ लेने लगते हैं और उनके जिस्म पर सोच पड़ जाती है। और इसके अलावा अनीमिया की और वजूहात में थैलेसीमिया, आजकल हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से इसकी शरह में इजाफा हो रहा है। थैलेसीमिया का मर्ज़ एक मौरूसी मर्ज़ है जो एक माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। और अगर एक बच्चे को थैलेसीमिया हो उस तो बाकी बच्चों के भी वक्त पर तशखीस करानी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि अगर बच्चे में ये तमाम अलामात नज़र आ रही हों तो उस बच्चे के मुख्तलिफ खून के टेस्टों के ज़रिए जल्द तशखीस कराई जा सके ताकि उसकी वजूहात का पता कराया जा सके और फिर उसकी वजह मालूम करके उसका इलाज मुमकिन हो सके। खून में कमी की एक वजह बच्चों में ब्लड कैंसर भी हो सकता है। बच्चों में कैंसर की शरह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और खून की कमी इसकी पहली अलामत हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में बुखार का होना जो ठीक आम दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, या जिस्म के ऊपर नील निशान पड़ना, या जिस्म के किसी हिस्से से खून आना भी इसकी अलामत है। इसके अलावा इन बच्चों को तमाम जिस्म में दर्द होना और गले या बगल में गिल्टियों का आ जाना भी इसकी एक अलामत हो सकती है। बच्चों में कैंसर का इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है अगर बर वक्त इसकी तशखीस की जाए और इसका इलाज कराया जाए। इसकी तशखीस के लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं जिसमें कुछ टेस्ट खून पर होते हैं जिसमें उसके खून का शुरू का मुआयना किया जाता है, जैसे हमें फौलाद की कमी को देखने के लिए फौलाद का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर कैंसर जैसी बीमारी का शुबा हो रहा है बच्चे में तो फिर हड्डी के गूदे के ज़रिए इसकी मुकम्मल तौर पे तशखीस करा दी जाती है। और अगर ये तशखीस बच्चे के इलाज के लिए और मुकम्मल तशखीस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि असल वजह का इल्म होगा तभी उसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया जा सकता है।
और अगर फौलाद की कमी हो तो फिर बच्चे को फौलाद की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर थैलेसीमिया के मर्ज़ की तशखीस हो तो फिर बच्चे को हर महीने खून लगवाना पड़ता है। थैलेसीमिया को अगर वक्त पर तशखीस कर लिया जाए तो इसका बहुत हद तक कंट्रोल मुमकिन है और बाद में होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अगर ब्लड कैंसर की तशखीस हो तो इसका इलाज 2.5 से 3 साल का होता है और इसमें मुख्तलिफ अद्वियात जिन्हें हम कीमोथेरेपी कहते हैं वो देनी ज़रूरी होती हैं। खून की कमी की मुख्तलिफ वजूहात की एहतियाती तदाबीर, अगर खून में फौलाद की कमी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से ही बच्चे की खुराक को बेहतर बनाया जाए। मार्केट के मिलने वाले जूस, चिप्स, पेप्सी, इनसे बिल्कुल परहेज़ किया जाए और इसके बजाय घर में बने हुए खाने बच्चे को शुरू से ही शुरू 6 माह के बाद ही शुरू कराए जाएँ। शुरू में ठोस नरम गज़ा, इसके बाद ठोस गज़ा, और ये मार्केट की चीज़ों से बिल्कुल को बिल्कुल ना दिया जाए। और जैसा और खुराक में फुलाद वाली अद्विया खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाए, जिसमें सब्जियां, फ्रूट, अंडे, गोश्त, इनको बच्चे की गज़ा का हिस्सा बनाया जाए। और ख़ास और अगर फुलाद की कमी हो तो फिर फुलाद वाली मुख्तलिफ खुराक भी जिसमें फुलाद शामिल किया जाता है वो शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा फुलाद वाली अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। और अगर बच्चे में कैंसर की तशखीस हो तो इन बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों में आम बीमारी दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा हमला कर सकती है और उसकी नौईयत भी ज़्यादा शदीद होती है। इसलिए ज़रूरी है कि उन बच्चों को साफ़ सुथरी गज़ा दी जाए और उनमें सफाई का आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि वो बच्चा इन इन्फेक्शन से परहेज से बच सके। इसके अलावा अगर आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अगर एक बच्चे को कैंसर है तो दूसरे बच्चे को भी इसके होने का खदशा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ये जो है आम बर्तनों में खाने या खुराक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खाने या खेलने से नहीं हो जाती, ये तो किसी भी बच्चे को किसी भी सूरत में हो सकती है। कैंसर के बच्चों के इलाज में इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए कि आजकल 80% तक कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी यह है कि इसकी वक्त के ऊपर तशखीस कराई जा सके और इलाज मुकम्मल करवाया जाए। इसका इलाज लंबा है। अगर माँ बाप को शुरू में लगे कि बच्चा ठीक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इलाज छोड़कर घर बैठ जाया जाए। बीमारी दोबारा शदीद नौईयत से ज़ाहिर हो जाती है। इसका पूरे 3 साल या जितने भी अर्से इसका इलाज है वो इलाज मुकम्मल करवाया जाए ताकि बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सके।
मैंने बच्चों में अनीमिया और कैंसर के मुतल्लिक आपको बताया, इसको सुनने का शुक्रिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहूँगी वो ये है कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चा, अगर आपको उसकी रंगत पीली लगे या नॉर्मल से हटके कोई भी बात उस पर आपको ज़ाहिर हो रही हो, तो उसका फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाएँ ताकि उसकी बरवक्त तशखीस की जा सके, क्योंकि बरवक्त तशखीस से ही बेहतर और मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और इलाज में सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी वजह पता की जा सके ताकि उस वजह का तदारुक हो सके।